अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। इन पैमाने पर वो लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर। 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। वही बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित आधुनिक भारत का सपना देखा था और वर्ण जाति व्यवस्था और वंचित समाज के शोषण उत्पीड़न के खात्मे के लिए लगातार संघर्ष किया। बाबा साहब ने एक ऐसे देश का सपना देखा था जहां अभिव्यक्त की, संगठित होने की और अपने हकों के लिए संघर्ष करने की आजादी हो, जहां सबको समता मूलक तालीम पाने की आजादी हो, जहां औरतों के खिलाफ किसी तरह का भेदभाव न किया जाए, उनका शोषण न किया जाए, जहां आर्थिक समता हो और देश के संसाधनों का इस्तेमाल मुट्ठी भर लोगों के बजाय आवाम की बेहतरी के लिए किया जाए, जहां जाति, धर्म या जेंडर के विभाजन ना हो, सामाजिक उत्पीड़न ना हो, जहां केंद्र सरकार के पास सत्ता व अधिकार सीमित हो और सही मायने में विकेंद्रीकृत लोकतंत्र हो, जहां किसी तरह के नफरत, हिंसा और भेदभाव के लिए कोई जगह ना हो। लेकिन आज बाबा साहब के सपने कितने पूरे हुए हैं? उल्टे उस दिशा में जो कदम हम उठा रहे थे उसको भी पीछे धकेला जा रहा है। इस साल हम अंबेडकर की जयंती को मनाने जा रहे हैं, जब बाबा साहब के सिद्धांत और हमारे संविधान, आज़ादी की लड़ाई और लोकतंत्र के बुनियादी मूल्य अभूतपूर्व खतरे में हैं। इस खतरे को बाबा साहब ने दूर से देखा था और चेतावनियां भी दी थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समाज में समानता और बंधुत्व के निर्माण के बिना राजनीति में समानता खोखली ही होगी और राजनीतिक लोकतंत्र कायम नहीं रह सकेगा। इसलिए उन्होंने संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित आधुनिक लोकतंत्र के निर्माण का आदर्श रखा, जिसे आज की सत्ताधारी ताकतें खत्म करके समाज को दकियानूसी मनुवादी मूल्यों की ओर वापस ले जाना चाहती हैं, जहां धार्मिक उन्माद, नफरत, भेदभाव, पितृसत्ता और दमन का राज होगा। बाबा साहब ने कहा था कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद भारत के मेहनतकशों के दो दुश्मन हैं। ब्राह्मणवाद के बारे में उन्होंने कहा था कि ये असल में एक विचारधारा है जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के खिलाफ खड़ी है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली ताकतें आज एक लहर के रूप में देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। इनसे आज़ादी के लिए हमें बाबा साहब के सिद्धांतों को याद करना पड़ेगा। इस देश का असली इतिहास संघर्ष और इंसानियत का है और ये विरासत ही हमें राह दिखाएगी। आइए बाबा साहब को याद करते हुए इन सपनों, मूल्यों और अपने प्यारे देश के भविष्य के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें।